हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेते हैं क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं चार्ट्स के ऊपर, वो आप लोग के साथ मैं दिखाना चाहता हूं। उसके साथ शिबा इनू और डॉज का भी फटाफट थोड़ा सा एक चार्ट्स पे जायजा लेंगे। ओके, और इससे पहले कॉन्डीसिक्स के जो लाइव सेशन हुआ था वहाँ पर हमने एवलांश को कवर किया था, सोलाना को कवर किया था, लूना को कवर किया था, तो वो भी आप एक बार वीडियो देख लेना। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं बीटीसी को लेकर करते हैं। और यहाँ पर 3 डे का चार्ट मैंने बनाया है। 3 डे का टाइम फ्रेम इसलिए पकड़ा है कि जैसे कि हमें एक सपोज करो 4 आवर्स के चार्ट पे कुछ पैटर्न्स दिख नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा नॉइज दिख रहा है, तो हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं। टाइम फ्रेम बढ़ाने से क्या होता है कि जो पिक्चर क्लियर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ थोड़ी सी चिंताजनक वाले ये दिख रही है कि राइट नाउ बीटीसी की जो प्राइस है वो हो चुकी है 40,190 के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस डगमगा रहा है। अब यहाँ पे चार्ट पे आप देखोगे, ये जो सेक्शन है यहाँ पे आप देखोगे, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। ओके, ये जो पार्ट है ना, ये पूरा अपना एक क्या बन रहा है, यहाँ पे एक बेयर फ्लैग जैसा यहाँ पे पूरा बन रहा है। ओके, तो ये थोड़ी सी एक चिंता वाली चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके, तो अगर यहाँ से ये इस लेवल को तोड़ता है निचले बॉटम को, यानी कि जो इसका एक सपोर्ट है ये बेयर फ्लैग का, वो 38,800 के आसपास है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर थोड़ा सा प्राइस नीचे जा सकता है, बट 3 डे के अंदर ये एक बेयर फ्लैग यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चौकन्ना रहना, थोड़ा सा यहाँ पे होशियार रहना आप लोगों के। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डॉजकॉइन को कवर करते हैं और 1 डे के चार्ट यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसको डेली सपोर्ट अच्छा खासा मिला हुआ है। और ये जो ग्रीन वाला जो लेवल है जो 13 सेंट से लेके 14 सेंट के आसपास, लगभग है 13.5 सेंट के आसपास है, और राइट नाउ प्राइस चल रही है 14.5 सेंट के आसपास चल रही है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक जो लेवल दिख रहा है ये एक बाउंस बैक लेवल दिख रहा है। और पहला जो टारगेट है देर सवेर डॉजकॉइन के अंदर, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक इसके अंदर उछाल आएगा क्योंकि अच्छी खासी बाइंग है। और एलन मस्क जो है वो अभी सुर्खियों के अंदर है, ट्विटर को लेके है, और जहाँ एक न्यूज़ आ गई कि भाई ट्विटर ने उसकी बात मान ली, तब तो यहाँ पे एक तगड़ा अच्छा खासा उछाल देखने को बन सकता है। और उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ हैं, वो अभी तो मैं जस्ट आपको ऊपर ऊपर से बता सकता हूँ, उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अमेज़न की बात करते हैं, ठीक है, एप्पल का कुछ पेमेंट सिस्टम आ रहा है उसकी बात करते हैं, कहीं ना कहीं डॉजकॉइन वहाँ पे सुनने में आ रहा है, आ सकता है नहीं आ सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। तो एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखो तो डॉजकॉइन जो है अच्छा खासा ऊपर जाएगा। ये जो लेवल से शायद कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कहीं 12 सेंट है और 14 सेंट में कुछ 2 सेंट का सिर्फ डिफरेंस है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सोच विचार कर सकते हो डॉजकॉइन के अंदर, ठीक है। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड रिटर्न इन डॉजकॉइन, 20 सेंट 30 सेंट 35 सेंट के आसपास मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आने वाले कुछ महीनों के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं शिबा इनू की बात करते हैं वापस से, इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने लास्ट टाइम भी कॉइनडीसीएस के लाइव में यही कहा था कि जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है बीटीसी की जितनी नहीं हो रही है उससे कहीं ज़्यादा शिबा इनू की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो रही है। ये एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है। ओके, और इसके अपडेट्स बहुत अच्छे खासे अभी आने वाले हैं। ओके, स्टिल बहुत सारे लोगों का कहना है कि मीम कॉइन्स है, मीम कॉइन्स यानी कि खतरे वाले कॉइन होते हैं, तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के इसके अंदर करना। मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मीम कॉइन्स के अंदर डॉज कॉइन है, शिबा इनू है, ये तगड़े कॉइन्स हैं, और इसमें हमारी छोटी सी जो एक रिस्क कैपिटल होती है वो हम लगा सकते हैं, जो कभी सपोज़ कीजिए एक ऐसा लगाओ कि अगर कभी नुकसान भी होता है तो आपको इतना ज़्यादा दर्द ना हो। लेकिन हमने ये देखा है कि जो प्रॉफिट दिया है वो मीम कॉइन्स ने भी दिया है। तो कोई भी मार्केट होता है, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो होता है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिस्क लगा रहता है, लेकिन एक कैलकुलेटिव अगर रिस्क लगाते हो आप तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ये सारी चीज़ें एकदम बॉटम के अंदर है। ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे खासे पिछले कह सकते 4-5 महीनों से ये सपोर्ट लेवल पर बना हुआ है, और उस सपोर्ट लेवल से इसने बाउंस बैक किया है। राइट नाउ 2553 के आसपास चल रहा है, आने वाले के टाइम के अंदर इसके अंदर हम अच्छा खासा देख सकते हैं, लमसम 3000, उसका 3500, 5000, ये सारे लेवल्स हम इसके अंदर देख सकते हैं शिबा इनू के अंदर। दूसरी चीज़, शिबा इनू जो है वो ऑलरेडी रॉबिनहुड पे लिस्ट हो चुका है, वो बड़ी एक न्यूज़ है। अब धीरे धीरे वहाँ पे जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी तो अच्छा खासा इसमें हमको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये था क्विक अपडेट ऑन बीटीसी, डॉजकॉइन और शिबा इनू, और इसके बाद और भी कुछ न्यू अपडेट्स आएंगे तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर ठोक देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।